वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, राजस्थान के डे थ्री में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एज यूजुअल सुबह 7 बजे के अलार्म लगाने के बावजूद भी आज भी मैं नहीं उठ पाया, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त कड़ाके की सर्दी है यार, तो सुबह सोने का भी थोड़ा मज़ा आता है। इस वक्त 9 बज चुके हैं और एज़ यूजुअल मॉर्निंग वॉक के लिए मैं निकल चुका हूँ। आज का जो मॉर्निंग वॉक है, मैं नदी के रास्ते से होते हुए उसे क्रॉस करने के बाद में एक शंकर भगवान का वहाँ मंदिर है, तो उसे मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो कहाँ है, लेकिन ढूंढ लूँगा जैसे तैसे। और वहाँ पे दर्शन करके उसके पास एक सुना है मैंने बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है, तो थोड़ी देर वहाँ पे दर्शन करके बैठूँगा, फोटोग्राफी करूँगा और उसके बाद जो है वापस घर पर जाऊँगा। और डे थ्री का कुछ खास प्लानिंग नहीं किया कि पूरे दिन में क्या करने वाला हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब आप राजस्थान में आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे बड़े बड़े तीर्थ है, तो आज का प्लान कुछ ऐसा ही हो सकता है शायद कि हम 2-3 मंदिर के दर्शन के लिए फुल फैमिली साथ में जाए और शाम को शायद शिवगंज समीरपुर जाएंगे खाने पीने के लिए, चाट सब खाने के लिए। तो ऐसा कुछ प्लान अभी तक सोचा है, फाइनल नहीं किया है, पर खैर जो भी हो शूट तो होने वाला है और आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी सीधे चलते हैं मंदिर में शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए। इस वक्त मेरी बाई तरफ जो है वो है शमशान, और यहाँ से जो ये रास्ता सीधा जो जाता है वो तो शमशान की तरफ जाता है, और यहाँ से आगे जाके नदी को क्रॉस करके हमें जो है शंकर भगवान के मंदिर की तरफ जाना है। एक और बात दोस्तों, हमारे गाँव में जो है डॉग्स बहुत है, बहुत ज़्यादा डॉग्स है। जहाँ कहीं भी आप चलो, डॉग्स आपको देख के इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे उन्होंने कभी इंसान देखे नहीं हो, और वो आपके साथ साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। अभी इस वक्त भी मेरे पास एक डॉग बैठा हुआ है, ये देखिए, देख के सीधा खड़ा हो गया है। तो ये डॉग्स इंसान को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और धीमे धीमे देखिए फॉलो करना शुरू कर दिया इसने भी हमें। आगे भी एक डॉग खड़ा है, हमें देख के पूछ हिला रहा है। तो डॉग्स बहुत सारे हैं, अब जिनको एनिमल से डर लगता है उनके लिए एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय भी है, क्योंकि उनको देख के डर जाएंगे, वो चल नहीं पाएंगे, घबरा जाएंगे। देखिए मेरे सामने भी एक डॉग खड़ा है, वो देख के कैसे खुश होकर पूछ हिला रहा है, मतलब ही सो एक्साइटेड। और मेरे हाथ में कैमरे को देख के जो है डॉग डर जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे हाथ में एक जो स्टिक है मैं कहीं उससे उन्हें नुकसान ना पहुँचा दूँ, तो ये भी एक वजह है कि उसको देख के वो डर जाते हैं। तो इस वक्त हम जो है एग्जैक्टली नदी पर पहुँच चुके हैं। ये नदी के सामने का नज़ारा, यहाँ भी एक शमशान है, ये शमशान है। तो हम यहाँ से होते हुए निकल रहे हैं यहाँ से, और सामने ये जो इतना बड़ा खूबसूरत सा बड़ा लंबा चौड़ा सा पेड़ है, जो कि देख के बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। अगर रात को आप आओगे यहाँ पे तो ये बहुत डरावना भी आपको लग सकता है, क्योंकि बहुत ही विशाल दिखने में लग रहा है ये। तो अब जो है ये है नदी, इस नदी को क्रॉस करेंगे और सामने की तरफ जाएंगे, और शायद कोई मिलेगा तो हमें से पूछना भी पड़ेगा कि यहाँ पे शंकर भगवान का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, और उसका एक नाम था उस मंदिर का, वो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जाके ढूंढ तो लेंगे हमें उसे। आई थिंक जो मेरे सामने है यही शंकर भगवान का मंदिर है जिसे मैं ढूंढ रहा था। चलिए कैमरा रोटेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ इस वक्त। ये देखिए, ये शण गौरेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन नाम कुछ और कहा था कल पापा ने मुझे, तो थोड़ा सा हम इसे ढूंढेंगे और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। होता है ना कि जब पापा से कल मैंने पूछा था, पापा ने थोड़ा और ही ज़्यादा कुछ नाम, मारवाड़ी में अक्सर हम नामों को बदल दिया करते हैं। मंदिर का नाम है शण गौरेश्वर महादेव, और पापा ने जो मुझे कल कहा था वो शण गौरेश्वर जी, या पता नहीं है शण गौरेश्वर जी, ऐसा कुछ नाम कहा था, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मुझे ऐसा लगा कि मंदिर शायद दूसरा है, लेकिन मैं सही जगह पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर जो है ये इस गेट को खोला है मैंने, इस गेट को खोल के यहाँ पर जो है एक छोटा सा अच्छा सा एक बागीचा बनाया है, जहाँ पर दर्शन करने के बाद आप कुछ देर आराम कर सकते हो, विश्राम कर सकते हो।
जैसे कि पूनम इस वक्त बैठ चुकी है आराम से, जिन्हें एडवेंचर का शौक़ हो, साथ में शंकर भगवान के दर्शन का प्रेम हो, जिज्ञासा हो, इच्छा हो, इस तरह की जगहों को आके आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। यही होता है ना गांव में, अक्सर आसपास ऐसी बहुत सी छोटी छोटी जगह होती है जहां पे समय निकाल के एक्सप्लोर करके, एक्सप्लोर करने के लिए आप सभी को जाना चाहिए। तो ऐसी कुछ जगह पे आज सुबह सुबह मैं आया हूं। चलिए थोड़ा जगह आपको मैं शूट करके दिखाता हूं। इस मंदिर में मैंने एक ख़ास बात देखी कि आपको स्वयं ही मंदिर के जो द्वार है खोलने पड़ते हैं। द्वार को खोलिए, दूसरे द्वार को खोलिए, अंदर जाइए, पूजा अर्चना कीजिए, दुआएं कीजिए, फिर से आइए, द्वार बंद कीजिए और आप यहाँ से जाइए। तो मंदिर की जो मेंटेनेंस है वो आपको स्वयं को करना है, मंदिर का जो देखभाल है आपको स्वयं को करना है, मंदिर की जो रक्षा है वो आपको स्वयं को करनी है। एक बहुत ही अच्छी बात भी लगी मुझे, जिससे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भगवान के लिए, मंदिर के लिए, वो और भी बढ़ जाती है। तो बहुत ही सुकून मिला दोस्तों यहाँ पर दर्शन करके, और अब जो है यहाँ से सीधे घर जाऊँगा और फिर अगले कार्यक्रम की तैयारी करूँगा। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से दर्शन करके। अब थोड़ी सी जो फोटोग्राफी मैं करूँगा इस नदी के ऊपर, बिकॉज़ कि इस वक्त यहाँ पे जो माहौल है, लाइटिंग जो है बहुत अच्छी है, तो फोटोग्राफ्स जो है उसके लिए लाइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। तो जाके थोड़े से शूट करूँगा और उसके बाद सीधे हम घर पे चलेंगे। दोस्तों इस वक्त जो है मैं राता महावीर जी आया है, जो कि बीजापुर गांव से करीब 2-3 किलोमीटर दूर है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है भगवान महावीर स्वामी जी का। इस वक्त जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर नया बना है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही महिमा है इसकी। और ठीक मेरे जो सामने है वो राता महावीर जी का मंदिर है। राता महावीर जी मंदिर की एक और खासियत है कि यहाँ पर जो है खाना जो है, फूड जो है धर्मशाला में, वो 365 दिन दाल बाटी चूरमा ही मिलता है, बहुत ही टेस्टी होता है। लोग दर्शन करने तो आते ही है, लेकिन साथ में दाल बाटी चूरमों का इंजॉय करने के लिए भी आते हैं। तो आपको ले चलता हूँ फिलहाल भोजनशाला में, जहाँ पे हम भी आज लंच में दाल बाटी चूरमा खाएँगे और फिर दर्शन करेंगे, और फिर जो है यहाँ से आगे का प्लान जो है सीधा शिवगंज समीरपुर जाएँगे, वहाँ पर भी आपको साथ में लेकर चलूँगा। तब तक बने रहिए साथ में। दोस्तों बरसों हो गए, लेकिन आज भी राता महावीर जी के दाल बाटी चूरमा और उसके साथ में पुदीने की चटनी का टेस्ट नहीं बदला। सालों से खा रहा हूँ मैं, और आज भी वही का वही स्वाद, वही टेस्ट है। ज़रूर कहूँगा कि जब भी कभी आओ तो दर्शन भी करो यहाँ पे, और साथ में दाल बाटी चूरमा और पुदीने की चटनी को एंजॉय भी करो।
माता महावीर जी मंदिर के ठीक बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सी गौशाला है। तो ये जो है इस वक्त मैं गौशाला के सामने खड़ा हूँ और मुझे देख के तमाम गाय जो है मेरी तरफ आ रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये सारी भाग के मेरी तरफ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है शायद कि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इन्हें खाने के लिए कुछ देने वाला हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये मुझे बहुत ख़राब लग रहा है इस वक्त। ये सारी देखिए किस तरीके से मेरी तरफ भाग के आ गई है, शायद बहुत ही भूखी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं इन्हें कुछ खाने के लिए इस वक्त दे नहीं सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बाहर यहीं पे कुछ बिस्किट की दुकान है तो बिस्किट लेके आके मैं इन गायों को कुछ खिला दूँ। देखिए कितनी एक्साइटेड है तमाम गाय मुझे लेकर। इस वक्त ठीक मेरे सामने गाय के छोटे छोटे से बच्चे हैं। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ कितने खूबसूरत से है ये। दोस्तों एक खास गुजारिश इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी करना चाहूँगा कि हम अक्सर घूमने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो हम अपने खाने पीने का पूरा इंतज़ाम कर लेते हैं, कहीं पर भी एक समय भी हम अपना खाना स्किप नहीं करते हैं। तो उस वक्त हमारे आसपास जितने भी पशु पक्षी होते हैं, वो कुत्ते हो, बिल्ली हो, या चाहे गाय हो, भैंस हो, हमें उनके भी खाने का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें 100, 200, 500 अगर खर्च हो जाएंगे उसमें तो, लेकिन वो बेचारे भी हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम दया और करुणा उन पर बरसाए, उनको जो हो सके खाना खिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दाल बाटी चूरमा जो है वो फिसल खाने के मूड में नहीं थी, उसे ज़रा भी पसंद नहीं है वो। तो शिवगंज जाते ही सबसे पहले खाने की जो शुरुआत है वो है पाव भाजी से है। देखते हैं पाव भाजी कैसी बनी और क्रिशल को कैसी लगी है, क्रिशल को पूछूंगा। सीरियसली रिव्यू दे रहा हूँ, पाव भाजी माइंड ब्लोइंग है। कैमरा शाही है क्रिशल, तो क्रिशल कुछ कैमरे के सामने बोल नहीं पा रही है, लेकिन उसके बिहाफ मैं आपसे कह रहा हूँ कि माइंड 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 ब्लोइंग। इतने साल हो गए जब से भी शिवगंज आता हूँ, बचपन से लेकर अब तक, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जगदीश की लस्सी ना पी हो, और इतने सालों में आज तक इसका स्वाद नहीं बदला है। जब भी कभी आओ डोंट मिस इट। दोस्तों इस वक्त जो है समेरपुर में आया हूँ, समेरपुर में संगम स्वीट्स के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ के जो है कांदा कचौरी बहुत ही सुपर टेस्टी आती है, और दूसरी भी बहुत सी आइटम है जो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। इस वक्त ठीक मेरे सामने है संगम स्वीट्स में। दोस्तों यकीन मानो कचौरी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जोधपुर में ऐसी कचौरी खाई थी और उसके बाद में मैंने आज यहाँ पे संगम से कचौरी सेम वैसा ही टेस्ट, बिल्कुल बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी कभी आप समेरपुर में आते हो तो संगम की कांदा कचौरी मस्ट ट्राई। दोस्तों वैसे आज का दिन जो था बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही धमाल मस्ती की है। शुरुआत जो की थी मॉर्निंग वॉक से, और बाद में राधा महावीर जी वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल प्रतिमा के दर्शन किए हमने, और वहाँ से सीधे जो हम गए थे शिवगंज सुमेरपुर में, बहुत ही अच्छा चाट में जैसे कि पाव भाजी, लस्सी, वहाँ की कांदा कचौरी सुमेरपुर में जो खास तौर पे संगम मिलती है, सब कुछ माइंड ब्लोइंग था। और कुछ शॉपिंग भी हमने
शिवगंज के धनलक्ष्मी दुकान से की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या शॉपिंग की है। ये देखिए इस वक्त कुछ आप कहीं जाए और वहाँ पे लेडीज शॉपिंग ना करें ऐसा हो नहीं सकता, तो बिना मतलब का ये आज मेरा खर्चा करा दिया लेडीज़ ने मिलके, करीब करीब 6,000 रुपये का बिल फाड़ दिया मेरा। पर कोई बात नहीं, जब कभी भी आप भी अगर जाओ शिवगंज में तो धनलक्ष्मी में ज़रूर जाइए, बहुत ही खूबसूरत कुंदन की ज्वेलरी रखते हैं इमिटेशन में वहाँ पे। तो यही कहूँगा कि बस इन्जॉय कीजिए जैसे मैं इन्जॉय करता हूँ, और डे 3 का व्लॉग भी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। गुड नाइट।